हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मल्टीप्लिकेशन की न्यू ट्रिक ग्रिड मेथड, जिसको लैटिस मेथड भी कहते हैं। इससे मल्टीप्लिकेशन करना बहुत इजी है, आप इससे सेकंडों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय लैटिस मेथड। लैटिस, इसको ग्रिड मेथड भी कहते हैं, ग्रिड मेथड। तो करते हैं एग्जांपल नंबर वन। क्वेश्चन वन, टू डिजिट बाय टू डिजिट। पहले हम टू डिजिट बाय टू डिजिट करके दिखाएंगे। आप रेंडमली कोई भी डिजिट ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए और इसकी अच्छे से सीखिए। 34 मल्टीप्लाई 57, हमें इसको ग्रिड मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी टू डिजिट हेयर एंड टू डिजिट हेयर, वी मेक अ बॉक्स। हमने एक स्क्वायर बनाया, टू डिजिट है तो टू बॉक्स बनाने, हमें बीच में एक लाइन लगाई, हमने यहां पर भी बीच में एक लाइन लगाई, फिर हमने हर बॉक्स को बीच में से आधा आधा डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स कर दिए हर बॉक्स के। कॉर्नर पे से हर बॉक्स के टू पार्ट किए और अब हमें 34, हमें यहां पर 3, 4, सेकंड है हमारा 57, 5, 7। मल्टीप्लाई जिसको करना है वो ऊपर लिखा जाएगा, मल्टीप्लायर साथ में। अब हमें 34 को 57 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे? 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 1 ऊपर 5 नीचे, 3 5 15, 1 ऊपर 5 नीचे, 4 5 20, 2 ऊपर 0 नीचे, 3 7 21, 2 ऊपर 1 डाउन। इधर हमने 3 वाले लिखने हैं और इधर 4 वाले, 4 7 28, 2 अप 8 डाउन। अब हमें आंसर लिखना है, आंसर हमें वेरी इजी, हमें ग्रिड की तरह लिखना है। पहले हमें ये वाला पोर्शन लेना है, फिर हमें ये वाला पोर्शन लेना है सारा, और फिर ये वाला पोर्शन लेना है। हमें पोर्शन वाइज आंसर लिखना है, बहुत इजी है इसे सॉल्व करना। देखिए, पहले हम इस 8 को लिखेंगे, फिर हम इसको ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 2 9, यहां पर 1। हमें स्लैंट में इसको वर्टिकली हमें इसको ऐड करना है, आंसर हुआ हमारा 1938। 34 मल्टीप्लाई 57 आंसर इज 1938। ट्रिक इजी है, आप प्रैक्टिस करिए, इजीली आपको समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, तब आपको अच्छे से इजी से समझ आएगा। देखिए, 98 मल्टीप्लाई 97, ग्रिड मेथड से करना है हमें। हमें पहले एक बॉक्स बनाना है, टू डिजिट है, हमें टू बॉक्स बनाने हैं, 1 2, टू मल्टीप्लायर है तो टू ही बॉक्स बनाने हमें। हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है,
हमें बॉक्स थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना है ताकि हम डिजिट लिखे तो गड़बड़ ना होए। हम बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हमें हर चीज क्लियरली समझ आए। हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। बॉक्स का हमने हाफ हाफ डिवाइड किया। हर बॉक्स का हमें फोर बॉक्स मिले, फोर पार्ट हो गए बॉक्स के। हमने हर पार्ट का हाफ हाफ डिवाइड किया। हमने यहाँ पर 98, 9, 8, 97, 9, 7। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा 81, 8 ऊपर 1 डाउन, 9 9 जा 63, 6 3, 8 9 जा 72, 8 7 जा 56। अब हमें ऐड करना है। आंसर हमारा इस फॉर्म में निकलेगा। ऐड करना है हमें, स्लैंट में ऐड करना है 6 2 5 3, 5 2 7, 7 3 10। 10 की 0, 1 हम आगे लगाएंगे, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 6 15, 15 का 5, 1 आगे, 8 और 1 9। आंसर इज 9 5 0 6, 9 5 0 6। इट्स ए आंसर। ट्रिक इजी है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और ये ट्रिक बहुत इजी आपकी बड़ी से मल्टीप्लीकेशन को बहुत इजी सिंपली बना देती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, 35 मल्टीप्लाई 86। बॉक्सेस बनाने हमें 2 डिजिट है। हमने बॉक्स बनाया, हर पार्ट का हमने हाफ ऑफ कर दिया। थर्टी फाइव को हमने ऊपर लिखा, 3 5 8 6, हमने 3 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 24 2 अप 4 डाउन, 3 6 जा 18, 1 अप 8 डाउन, 5 8 जा 40, 4 अप 0 डाउन, 5 6 जा 30, 3 अप 0 डाउन। अब हमें सिंपल है ऐड करना, तिरछा तिरछा हमें ऐड करना है। पहले हम इस पोर्शन को ऐड करेंगे 0। अब हम इन डिजिट्स को लेंगे 8 3, हमने ये वाली डिजिट्स काउंट करनी है 8 3 0, कितना हुआ 8 9 10 11 का 11 का 1, 1 हम ऊपर लगा देंगे कैरी, 1 और 4 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 की 0, 1 यहाँ पर, 2 और 1 3। आंसर इज 3 0 1 0, 3 0 1 0, आंसर इज 3 0 1 0। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इन डिजिट को इंक्रीज करेंगे। 72 मल्टीप्लाई 81, 72 को हमने 81 से मल्टीप्लाई करना है। हमने देखना है 2 डिजिट है, 2 बॉक्स बनाए, बीच में एक लाइन लगाई, हमने 2 बॉक्स बनाए, हाफ हाफ किया हर बॉक्स का,
हर बॉक्स का हमने हाफ हाफ कर दिया। हमने डिजिट लिखे 72 को हम जिसको मल्टीप्लाई है करना है वो ऊपर लिखना है, मल्टीप्लायर को हम साइड में लिखेंगे। 7 8 जा 56, 5 up 6 down, 7 1 जा 7 सिंगल डिजिट तो 07, 2 8 जा 16, 16, 2 1 जा 2 सिंगल डिजिट 02। अब हम आंसर लिखेंगे, सिंपल है, ऐड करना हमें सिंपल, 2 7 0 6 को ऐड करेंगे, 13, 13 का 3, 1 आगे देंगे, 1 और 1 2, 2 और 6 8। नेक्स्ट 5 एज इट इज, आंसर इज 5 8 3 2। आंसर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे नीचे तक, आंसर इज 5 8 3 2। इसको बेसिक मेथड से करके देखिए, ट्रिक बहुत बेसिक मेथड बहुत लेंथी हो जाता है और हमारा टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। हम इसको सिंपल ग्रिड और लैटिस मेथड से करेंगे तो इजी रहता है। अब हम डिजिट इंक्रीज कर जाते हैं, 3 डिजिट बाय 2 डिजिट, 3 डिजिट बाय 2 डिजिट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 3 डिजिट बाय 2 डिजिट। अब हमारे 3 डिजिट है और 2 डिजिट के साथ है, हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 317 317 मल्टीप्लाई 24। हमने यहाँ एक बॉक्स बनाया, सबसे पहले हमने देखा 3 डिजिट है, हमने 3 डिजिट के 3 बॉक्स बनाए, 1 2 3, 3 बॉक्स बनाए हमने, 317 लिखा। अब हमारे पास 2 डिजिट है तो हमें बीच में एक लाइन लगाई, यहां पर हमने 24 लगाया, हमने इसको बॉक्सेस बनाए, बीच में से हमने डिवाइड किया हर बॉक्स को। अब हमें 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 0 6, 1 2 जा 2 0 2, 7 2 जा 14 1 4 14, 3 4 जा 3 4 जा 12 1 2 12, 4 1 जा 4 0 4, 7 4 जा 28 2 8। अब हमें ऐड करना है, देखिए 8 4 4 8 और 2 10 10 की 0, 1 carry 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 और 0, आंसर इज 7 6 0 8, आंसर इज 7 6 0 8। इजी है ट्रिक, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, रैंडमली कोई भी डिजिट उठाइए, आप इसको इस ट्रिक से करिए, आप इसको सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, 864 मल्टीप्लाई 29। हमने एक बॉक्स बनाया, थ्री डिजिट, थ्री बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 8 6 4। अब हमारे पास 2 है, 2 डिजिट है तो हम बीच में एक लाइन लगाएंगे, तो हमारे पास आया 2 9। अब हम हर बॉक्स को बीच में से डिवाइड करेंगे, चाहे आपके पास कितनी ही डिजिट के नंबर हो, आपको स्टेप बाय स्टेप यही रूल करना है, आपको पहले बॉक्स गिनने हैं कितने बॉक्स बनाने हैं, फिर आपको बीच में से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है।
एट टू जा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 यहाँ 6 यहाँ, 6 टू जा 12, 1 और 2, 4 टू जा 8 सिंगल डिजिट 0, 8, 8 नाइन जा 7, 2, 6 नाइन जा 54, 5, 4, 4 नाइन जा 36, 3, 6, अब हमें इसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई हमारी हो गई, अब हमें ऐड करना है इसको, ऐड हमें स्लैंट में करना है, तो पहले हम इस पोर्शन को ऐड करेंगे, ये है हमारा 6, अब हम इस पोर्शन को ऐड करेंगे 8, 3, 4, 11, 11, 4, 15, 15 का 5, 1 कैरी, नेक्स्ट रो को हम 1 देंगे, 1 और 0, 1, 1 और 2, 3, 3, 5, 8, 8 और 2, 10, 10 की 0, 1 कैरी, 1 और 1, 2, 6 टू 10, 10, 7, 17, 1 कैरी, 1 और 1, 2, आंसर इज 27056, आंसर इज 27056, 27056. आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है. आप रेंडमली कोई भी क्वेश्चन लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये नहीं कि हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं आप उसी की प्रैक्टिस कीजिए. आप किसी भी क्वेश्चन की, कितने भी डिजिट के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 742 को हमने 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी हम करते हैं 62 से मल्टीप्लाई. हमने एक बॉक्स बनाया, हमने देखा यहां पर 3 डिजिट है, तो 3 बॉक्स 742, यहां पे 2 डिजिट है, तो हमने यहां पे बीच में एक लाइन लगाई 6 और 2. हमने हर बॉक्स को बीच में से डिवाइड किया, 2 पार्ट्स कर दिए उसके. देखिए अब आगे 7 को 6 से मल्टीप्लाई करा 42, 4 और 2, 4 को 6 से करा 24, 2 को 6 से करा 12, 7 को 2 से करा 14, 4 को 2 से करा 0, 8, सिंगल डिजिट 0, 8, 2 को 2 से करा 4, सिंगल डिजिट 0, 4. अब हमें आंसर निकालना है, स्लैंट में हमें ऐड करना है. हमारे यहाँ पर 4 है, तो 4, 2, 0, 8, इनको ऐड करेंगे, 8 और 2, 10, 10 की 0, 1, नेक्स्ट, 1 और 1, 2, 2, 4, 6, 6, 4, 10, 10 की 0, 1, ऐड, 2 और 1, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, लास्ट इज 4, आंसर इज 4, 6, 0, 0, 4, 4, 6, 0, 0, 4, आंसर इज 4, 6, 0, 0, 4, इजी है ट्रिक? कमेंट करके बताइए कि ट्रिक इजी है या नहीं. अगर आपको ट्रिक समझ आ रही है तो इजी लिख के भेजिए. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. अब हम इसकी डिजिट और इंक्रीज कर देते हैं, 3 डिजिट की, 3 डिजिट के साथ करते हैं हम 3 डिजिट, 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट. देखिए 821 मल्टीप्लाई बाय 778. हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. देखिए आप, अब हमारे पास यहां पर भी 3 डिजिट है, यहां पर भी 3 डिजिट है, तो सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है,
थ्री थ्री डिजिट का यानी थ्री रो थ्री कॉलम होने चाहिए हमारे पास। हमने एक बॉक्स बनाया, वन, थोड़े बड़े बड़े बॉक्स बनाते हैं हम, हमने ये थ्री बॉक्स हमने लिखा यहाँ पर 8, 2, 1। अब हमें मल्टीप्लायर को लिखना है, ये भी हमारे पास थ्री डिजिट है तो हम थ्री बॉक्स थ्री रो और थ्री कॉलम बनाएंगे। यहां पर हम मल्टीप्लायर को लिखेंगे 7, 7, 8। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले हमें बॉक्स को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, हर बॉक्स को हमें डिवाइड करना है। हमने हर बॉक्स को बीच में से डिवाइड किया। अब हम देखते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करा 56, 5 अप 6 डाउन, 2 को 7 से करा 14, 1, 4, 1 को 7 से करा सिंगल डिजिट 0, 7, 8 को 7 से करा 56, 2 को 7 से करा 1, 4, 1 को 8 से 7 से करा 0, 7, सिंगल डिजिट, 8 को 8 से करा 64, 2 को 8 से करा 16, 16, 1 को 8 से करा सिंगल डिजिट 0, 8। हमारी मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, हमें स्लैंट में ऐड करना है। सबसे पहले हम 8 करेंगे, सिंगल डिजिट है 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। अब हमें ऐड करना है 7, 0, 6 को, 6, 6, 12 और 1, 13, 13 का 3, 1 कैरी, 7 और 1, 8, 0, 8, 8, 4, 12, 12, 1, 13, 13, 4, 17, 17 का 7, 1 कैरी। नेक्स्ट रो में लिखेंगे हम 1, 1, 4, 5, 5, 1, 6, 6, 6, 12, 12, 6, 18, 18 का 8, 1 कैरी, 1, 1, 2, 2, 6, 8, 8, 5, 8 और 5, 13, 13 का 3, 1 कैरी, 5 और 1, 6, आंसर इज 6, 3, 8, 7, 3, 8, आंसर इज 6, 3, 8, 7, 3, 8। आप इसको चेक कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। आप इसको इजीली रेंडमली कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको टू डिजिट बाय टू डिजिट सिखाया, थ्री डिजिट बाय टू डिजिट सिखाया, थ्री डिजिट बाय थ्री डिजिट सिखाया। अब हम आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं थ्री डिजिट बाय थ्री डिजिट का, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए 378 मल्टीप्लाई 897, आप रेंडमली कोई भी डिजिट ले सकते हैं, आप कितनी बड़ी कितनी छोटी डिजिट आप ले सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपने बॉक्स बनाया एक, आपने देखा थ्री डिजिट है तो थ्री बॉक्स बनाने हैं, हमने बॉक्स थोड़े बड़े बनाने हैं। हमने बॉक्स बनाया, अब हमने मल्टीप्लायर को देखना है, थ्री डिजिट है तो थ्री रो में बनाने हैं हमने, वन टू थ्री, थ्री सेवन एट, एट नाइन सेवन,
3 को 8 से मल्टीप्लाई करा। सबसे पहले हमने बॉक्स को डिवाइड किया हमने। हमें हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 24 2 और 4, 7 को 8 से किया 56, 8 को 8 से किया 64, 3 को 9 से किया 27, 2 और 7, 7 को 9 से किया 63, 8 को 9 से किया 72, 3 को 7 से किया 21, 7 को 7 से किया 49, 4 यहां 9 यहां, 8 को 7 से किया 56। अब हमारी मल्टीप्लाई कंप्लीट हुई। अब हमें क्या करना है, इसमें एडिशन करना है। हमें स्लैंट में एडिशन करना है। सबसे पहले हमें यहां देखा सिंगल डिजिट 6 लिखा, फिर हमें 252 को इस पोर्शन को ऐड करना है, 1 2 3 इन पोर्शन को, इन डिजिट को ऐड करना है 259, 5 और 2 11, 11 5 16, 16 का 6 कैरी 1, नेक्स्ट ब्लॉक में हम 1 लिखेंगे, 4 और 1 5, 5 7 12, 12 3 15, 15 4 19, 1 20, 20 की 0, 2 कैरी, 6 और 2 8, 6 6 6 18 to 20, 27, 7, 27 to 29, 2 carry, 5 or 2, 7, 7, 4, 11, 11 to 13, 13 ka 3, 1 carry, 2 or 1, 3, answer is 339066. Answer is 339006. 339006 is answer. ये हमारा आंसर है। ट्रिक बहुत इजी है, आप इसको जल्दी सिंपली वे में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम अपने डिजिट को इंक्रीज कर देते हैं। अब हम 4 डिजिट को 3 डिजिट से करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 डिजिट बाय 3 डिजिट, 4 डिजिट बाय 3 डिजिट मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। हमारी 4 डिजिट है 2641 को हम पहले 2 डिजिट से करते हैं, फिर हम 3 डिजिट से करेंगे। चलो 2 डिजिट वाली बात में करेंगे, पहले हम 3 डिजिट की करते हैं। 4 डिजिट को हम 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी 3 डिजिट है 829। हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है। 4 है हमारी, 4 डिजिट है तो 4 बॉक्स बनाने हैं हमने, 1 2 3 4। हमने ये 4 बॉक्स बनाए। अब हमारे पास 3 डिजिट है तो हम 3 और लाइन कॉलम बनाएंगे, 3 रो बनाएंगे हम, 1 2। हम यहां पर लिखेंगे 2641829। हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करा, पहले हमने सभी बॉक्स को डिवाइड करना है।
हमें हर बॉक्स को हमें बीच में से डिवाइड करना है, टू टू पार्ट्स करने हैं सभी बॉक्स के। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, टू को 8 से मल्टीप्लाई करा 16, 1 6, 6 को 8 से करा 48, 4 को 8 से करा 32, 1 को 8 से करा सिंगल डिजिट 08, 2 को 2 से करा 4 सिंगल डिजिट 04, 6 को 2 से करा 12, 1 और 2, 4 को 2 से करा सिंगल डिजिट 08, 1 को 2 से करा सिंगल डिजिट 02, 2 को 9 से करा 18, 18, 6 को 9 से करा 54, 54, 4 9 जा 4 को 9 से करा 36, 1 को 9 से करा सिंगल डिजिट 09। अब हमें ऐड करनी है, मल्टीप्लिकेशन हमारी हो गई, हमें स्लैंट में इसको ऐड करना है। हमें पहले इस वाले ब्लॉक को ऐड करना है, सिंगल डिजिट है 9, 206 को ऐड करना है, 8 8 0 8 3 4 को ऐड करना है, 8 और 8 16 3 19 4 23, 3 2 कैरी। नेक्स्ट ब्लॉक में हम 2 को लिखेंगे, 2 2 4 2 6 6 5, 11 11 8 19 19 का 9, 1 कैरी, 3 1 4 4 और 8, 12 12 1 13 13 4 17 17 1 18 18 का 8, 4 और 6 10 10 की 0, 1 कैरी, 1 और 1 2। आंसर इज 208 9 389। आंसर इज 208 9 389। आप इसे चेक कीजिए, आपका 100% आंसर ठीक निकलेगा। आप इसको रैंडमली कोई भी डिजिट ले सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फोर थ्री जीरो एट को हम 191 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले बॉक्स बनाया, थ्री डिजिट है, हमें थ्री बॉक्स बनाने हैं। हमने यहाँ पे लिखा 4 3 0 8 1 9 1, हर बॉक्स का हमें पार्टीशन किया, टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किए बॉक्स को। टू पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, बिना टू पार्ट्स के डिवाइड करे यह मेथड हमारा अप्लाई नहीं होगा। मेथड बहुत इजी है, आप बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना इजी होता है। चलिए करते हैं, 4 1 जा 4 0 4, 3 1 जा 3 सिंगल डिजिट 03, 0 1 जा 0 0 0, 8 1 जा 8 सिंगल डिजिट 08, 4 9 जा 36, 3 9 जा 27, 0 9 जा 0, 8 9 जा 72, 4 1 जा 4 04 सिंगल डिजिट, 3 1 जा 3 03, 0 0 जा 0 0, 8 1 जा 8 सिंगल डिजिट 08। अब हम आंसर लिखेंगे, स्लैंट में ऐड करेंगे, 8 2 0 0 2, 8 7 0 0 3, 15 plus 3 18, 18 का 8,
वन कैरी, वन सेवन एट, एट और फोर इलेवन, इलेवन का एट और फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू, वन कैरी, वन और थ्री फोर, फोर और टू फोर, सिक्स 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 ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू, वन कैरी, फोर और वन फाइव, फाइव और थ्री एट, जीरो। आंसर इज एट टू टू एट टू एट, आंसर इज एट टू टू एट टू एट, एट टू टू एट टू एट, आंसर इज। ट्रिक इजी है, अब हमारा प्रैक्टिस टाइम है, आगे इसका पार्ट हम पार्ट टू में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, अब हमारा प्रैक्टिस टाइम है, पहले हम इतने को ही सीखेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, आप इसको अच्छे से देखें और समझें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखें, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आएंगे। देखिए 98 मल्टीप्लाई 95, क्वेश्चन टू 56 मल्टीप्लाई 34, आप रेंडमली कहीं से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। 69 मल्टीप्लाई 97, क्वेश्चन नंबर फोर 347 मल्टीप्लाई 24, क्वेश्चन नंबर फाइव 984 मल्टीप्लाई 378, क्वेश्चन नंबर सिक्स 764 मल्टीप्लाई 592, क्वेश्चन नंबर सेवन 389 मल्टीप्लाई 92, 84359 मल्टीप्लाई 65, 9285 मल्टीप्लाई 925। नेक्स्ट क्वेश्चन 2641 मल्टीप्लाई 742, आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ग्रिड मेथड को देखना है, वीडियो को अच्छे बार बार से देखें, आपको नहीं समझ आता वीडियो को पॉज कर करके देखें, आप उसको समझे, बहुत इजी ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन की, आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं, कोई भी डिजिट आप रेंडमली उठाइए और इसको मल्टीप्लाई करिए। अब हमारा पजल टाइम आता है, पजल भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि पजल हमारा माइंड की एक्सरसाइज होती है, पजल करना बहुत जरूरी है, ये टेस्ट है हमारा आईक्यू का, टेस्ट योर आईक्यू। पजल चाहे इजी हो या टफ हो हमें जरूर करने चाहिए, क्योंकि पजल को देखते ही हमारा माइंड एक्टिव होता है, हम उसको करने के लिए शुरू होते हैं। यहां से थोड़ी सी कट कर दियो, क्या ये थोड़ी सी कट कर दियो, यो सही है, बोला क्यों फिर, ये पजल निकालो ना, पजल निकालने भूल गई थी। ये कैसे होती है अगली पजल, हमारी आज की पजल है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स, हमें
बॉक्सेस, आज हमने बॉक्सेस वाले क्वेश्चन किए हैं, तो हम बॉक्सेस वाले ही पजल करेंगे। फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्रेंगल एंड स्क्वायर। हमें ट्रेंगल्स और नंबर्स स्क्वायर्स को काउंट करना है कितने हैं। वन टू थ्री फोर, हमने इसको बीच में से डिवाइड किया, हमें बताना है कितने ट्रेंगल है, कितने इसमें नंबर्स है, स्क्वायर है। हमारे ऑप्शन है, ये भी काट दियो, ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 16, ऑप्शन बी इज 10, ऑप्शन सी इज 12, ऑप्शन डी इज 14। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि आपकी पजल सॉल्व हुई या नहीं, राइट या रॉन्ग करके बताना है। आपको क्वेश्चन वीडियो अच्छे से देखनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, करना है। आप वीडियो को बार बार देखें, ट्रिक बहुत इजी है, आपके मल्टीप्लिकेशन को बहुत इजी बना देता है और आपकी क्वेश्चंस को कॉम्पिटिशन्स में टाइम को सेव करता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए इसी तरह नई नई ट्रिक्स लेके आएंगे और तब तक के लिए थैंक यू।